नमस्कार मास्टर राजेश, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। जैसा कि मैंने पूर्व में कविता लिखी थी, वो प्रसारित भी हो चुकी है। उसमें किस विद्यार्थियों के नाम हैं, अध्यापकों और किन कर्मचारियों के नाम हैं, वो भी मैंने बता दिए हैं। अब उसकी व्याख्या रही कि उसमें मतलब क्या है उस कविता। जैसा मैंने पहले कहा था, ये प्रभु चरणों में समर्पित है, भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित है। तो उसमें दे मास्टर विदाई मास्टर राजेश तू अविरल आनंद छा, अविरल यानी परमानंद, आनंद किसी अविरल बाधा, किसी बाधा के बिना आनंद ही आनंद का वातावरण आ रहा है। मदन मोहन के तेज प्रकाश से मयूर करिश्मा दिखा रहा। मदन मोहन भगवान कृष्ण को संबंधित है, उनकी लीलाओं से संबंधित है इस कविता। प्रभु की कृष्ण की तेज प्रकाश के कारण ही जो मोर है, जो मोर रूपी हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, वो करिश्मा दिखाता है। नाच नाच के वैसा सुंदर पक्षी कहीं और नहीं मिलता है, और वो करिश्मा प्रभु के प्रकाश के कारण, प्रभु के तेज के कारण ही हमें मिलता है। आगे धर्म तीर्थ कैलाश पर कपिल खजूर कर। धर्म तीर्थ हमारे हिंदुओं में कैलाश पर्वत को सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है। शिव जी का स्थान है। शिवरात्रि रात को थी तो उससे संबंधित भी है। तो वहाँ पर यानी अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो जो रेगिस्तान में खजूर उगने वाली है वो लोग कैलाश पर्वत पर भी उगा सकते हैं, यदि प्रभु की कृपा हो तो। नहीं तो कुछ नहीं संभव होता है, चाहे कैसा भी वातावरण हो, नहीं संभव होगा। आगे है ओम ओम का दिव्य संतोष तरुणाई विक्रम जगाया। ओम ओम का की ध्वनि चारों तरफ वातावरण में छाई हुई, जहाँ देखो वायुमंडल में अच्छे लोगों के बीच में ओंकार की ध्वनि चलती है। उस ओंकार की ध्वनि के कारण पूरे वातावरण के अंदर दिव्य संतोष ब्रह्मा पाया हुआ है, एकदम आनंदित वातावरण हो रहा है। केवल उस आनंद का कारण नहीं, उस आनंद से तरुणा युवाओं में तरुणाई छाई हुई है और उसमें जोश जगा हुआ है। पुलवामा का अभी घटना हुई थी, अभी वो युवाओं का जोश ओम ओम की ध्वनि के साथ में भी जगी हुई। आगे है दौलत भवानी लेखराज की। दौलत भवानी लेखराज की हित हितेश जितेंद्र पा। दौलत मात भवानी लेखराज यानी कि लिखने वाले की भगवान की हित हित उनकी कृपा होने से ही दौलत और शक्ति माता भवानी वो हमें जो हित करते हैं, पर हित करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, उनके अंदर जितेंद्र पार है, उनके अंदर जितेंद्र ही जितेंद्र है, वो अपनी इंद्रियों को जीत जाते हैं, ऐसा वातावरण पा रहा है। नटखट नखत सुरेश रमेश जी मुके समय परमानंद छा। नटखट नखत सुरेश ये ग्वाल बालों के नाम, उन ग्वाल बालों के अंदर परमानंद छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा से सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ। आगे है दीवाना हुआ वन उपवन तो बाबू भुट्टा लाल। वातावरण के अंदर दीवानापन छाया हुआ है, माहौल में मस्ती है चारों तरफ। तो उस वातावरण के अंदर भी जब सब तरफ आनंद होता है तो खुशी का माहौल होता है, और बाबू भुट्टा लाल यानी कुछ न कुछ खाने को मन करता है, आनंदित प्रसन्नित मन होने का होता है। तो प्रिय अनीता जतन कर जसोदा। भगवान कृष्ण पर कई प्रकार के कष्ट आते रहते थे, राज चतुर स्वप्न सजा। तो उसमें कहा गया है कि हे माता जसोदा, अनीता आप जतन करो, क्योंकि कंस रूपी जो सरकार है वो किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से आप पर, कृष्ण भगवान पर किसी भी प्रकार का हो चतुराई से कोई न कोई कष्ट देने का प्रयास करेंगे। तो आप जतन करो यानी सावधानी रखें। आगे है दादू दुर्गा धन मोलक कैलाश उद्गम बता।
संत दादू जी लगे उनके वचन है कि दुर्गा धनामूलक, यानी दुर्गा यानी शक्ति रूपा, जो शक्ति है वो सबसे बड़ा धन है, जिसके पास शक्ति होती है वही सबसे बड़ा धन होता है, और वो धन अनमोल धन है, उस धन के बिना कुछ नहीं है। और वो धन संत महात्मा दादू जी बताते हैं कि कैलाश पर्वत, यानी वहाँ से वो शक्ति उत्पन्न होती है, और उस शक्ति के जिसके पास होती है उसकी सब मानती। तो इस बात से बताया गया है कैलाश रीता नीलम से, कैलाश पर्वत है जो रीता यानी समाप्त हो गए, किससे, हीरे मोती नीलम से, उन देने से समाप्त, यानी कि वहाँ पर नीलम मोती वगैरह सब समाप्त हो रहे हैं, यानी कि खत्म हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि बाबू मुकेश आशीष लुटाला, बाबा मुकेश है वो आशीष लुटाते हैं, प्रधान आशीष लुटाते रहते हैं, जिससे चारों तरफ किसी भी दुखिया को दुख नहीं हो, अच्छा वातावरण बने। आगे है अन्नपूर्णा देवी धूड़ा आहार गौरा खिलाए, अन्नपूर्णा देवी माता अन्नपूर्णा है जो हमें अनाज देती हैं, देवी जो ऐसी माता हैं जो धूड़ा यानी रेती से भी हमारे को अनाज पैदा करती है, हम अनाज एक उगाते हैं और सैकड़ों की संख्या में वो हमारे को, हजारों की संख्या में बोरी भर के हमारे को मिलता है, तो वो आहार हमारे को मिलता है। ऐसे जादुई करिश्मे प्रभु की कृपा से ही संपन्न होते हैं। अरुण उदय कंचन बरसे तो मन मंजूरी सबसे दिला, अरुण उदय सुबह सुबह जो सूर्य का प्रकाश उगता है उससे कंचन बरस रहा है, स्वर्ण की वर्षा हो रही है चारों तरफ। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर सूर्य उदय नहीं होता तो लोग काम पर नहीं जाते, और लोग काम पर नहीं आते तो पैसे की बरसात, होने की बरसात नहीं होती। तो उस प्रकार बात करते हैं कि मन मंजूरी यानी सबसे, सभी साथियों से, सभी विद्यार्थियों से इस प्रकार की मंजूरी दिला रहे हैं कि हम भी विद्यार्थियों को कह रहे हैं कि भाई विद्यार्थियों आप भी आगे जाएं और उत्तरोत्तर जीवन में प्रगति करें, इसकी मंजूरी हम भी दे रहे हैं और आप भी हमसे विदा हों, उसकी विदाई आप भी दें। आगे विद्यालय है GUPS कटरा रोड, तहसील कटरा रोड, जिला बाड़मेर राजस्थान में है, उसके बारे में लिखा बताया है। सत्र के बारे में बताया गया कि ये किस सत्र के विद्यार्थियों को विदाई है, सत्र 2018-19 के विद्यार्थियों को विदाई दी जा रही है, और मास्टर राजेश रही के महाराज की तरफ से। तो ये मेरे तरफ से एक अच्छा प्रयास है, कोशिश की है मैंने कि ऐसा काम करें कि ताकि विद्यार्थियों को एक अच्छी यादगार रहे।